हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका स्वागत है। और हमारा चैनल जो पहले बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार हुआ करता था, अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया। सो डोंट बी कंफ्यूज। और हम इस तरीके की वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड लाते रहते हैं। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जो पुराने लोग हैं प्लीज दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी, आपको जैसे आपको पता ही हम किस तरीके की नॉलेज देते हैं, तो उनके पास भी वो नॉलेज फॉरवर्ड हो सके। तो अगर बात करें आज के दिन में 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ देख लीजिए IRCTC के ब्रेकआउट से रिलेटेड, ओके, उसका कितना टारगेट आ रहा है वो हमने बताया है। पिरामिल इंटरप्राइजेस यहाँ पर एक शेयर है, उसमें भी ब्रेकआउट हुआ है और दोनों ने 52 वीक हाई भी लगाया है। और बात करें 94 रुपीस का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है और कुछ कंपनी के रिजल्ट है, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है, तो इन वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले एक और पर्टिकुलर वीडियो की। देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने 3-4 दिन पहले इसका ब्रेकआउट पकड़ा था और मुझे पता था कि ये शेयर जाएगा, तो उस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। देखते हैं। देखिए, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही करिएगा। मेरी स्टडी है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज के पर्पज से वीडियो है। किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं, किस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इस चीज से रिलेटेड आप बस ये चीज सीखिए। और जब ये चीज सीख के करेंगे तो मार्केट में कितना बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलेगा, यू कांट इवन इमेजिन। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी को ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करानी है वहां पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका अगर देखें, आज के दिन में 8% भागा है। 5 डेज की बात करें, 5 डेज में देखिए इस कंसोलिडेशन फेज की तरफ चल रहा था। और यहाँ पर जब शेयर आया था तो मुझे पता चल गया था यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, ओके। और आज के दिन में मैंने यहाँ पर बाइंग भी करी है, क्योंकि ये शेयर और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जाएगा, लगभग 20 से 30% के ये अपसाइड दे सकता है इन अ शॉर्ट टर्म। अगर बात करें 1 मंथ अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में यहाँ तक ये शेयर गया था 17 में, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया पेंडेमिक में, फिर उसके बाद अच्छा खासा भागा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, 2011 से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अपसाइड डाउन्स बहुत ज्यादा है, मतलब वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। शेयर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके की वॉलिटिलिटी आपको इस शेयर से देखने को मिलेगी। सो आप कुछ भी करें तो उससे पहले आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, इस वॉलेटिलिटी को, एज वेल एज ये इसकी शेयर की बात करूं तो स्मॉल कैप शेयर है, बड़ा छोटा शेयर है। सो इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना। तो ये एक आपको डिस्क्लेमर था, आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप जो शेयर होते हैं ना, तो उसमें आपको थोड़ा ही कम इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, इसे बना रहा हूँ मैं ट्रेडिंग पर्पज़ से वीडियो। तो यहाँ पर अगर और कुछ चीज़ें देखें तो शेयर का नाम बता देता हूँ आपको। ये इसका नाम है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, ओके। और यहाँ पर देखें 52 वीक लो तो इसे 61 रुपये तक आया था, और लगभग दुगना शेयर हो चुका है, लगभग 100% के रिटर्न आज की डेट में दे चुका है, एक साल के अंदर। और यहाँ पर देखिए आज की डेट में 10,61,000 शेयर खरीदे गए हैं, लगभग 44% के शेयर। और बात करें कंपनी इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर अगर देखते हैं 67.78% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और इसके रिजल्ट आप इसके कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, तो अभी तक रिजल्ट से रिलेटेड भी कोई न्यूज नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड ना के बराबर ही दिखता है, देख लीजिए 75 पैसे, 45 पैसे, 50 पैसे। तो यहाँ पर बाईबैक भी लाया है शेयर, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर देखिए, इसका बिजनेस मॉडल तो करती क्या है, तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं तो बैक प्रेशर टर्बाइंस, कंडेंसिंग टर्बाइंस, एपीआई स्टीम टर्बाइंस। तो एक यहाँ पर अगर देखते हैं टर्बाइंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मार्केट लीडर इन इंडिया में मार्केट लीडर है, 70 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। अगर बात करें MW+ ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी है, लगभग 13,000+ की। बात करें 20+ इंडस्ट्रियल सर्व्ड है, और बात करें 4,000+ स्टीम टर्बाइन यूनिट इंस्टॉल ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो ये सब चीजों में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जो इस सेक्टर को जानता है वो यहाँ पर आप देख सकता है, ओके। उसे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बट एज अ चार्ट पैटर्न देखते हुए हम यहाँ पर छोटे सा यहाँ पर डील कर रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं ट्रेड लिया है छोटा सा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स की, इसके फंडामेंटल्स मुझे काफी अच्छे लगे। यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिवेणी इज अ प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पावर जनरेशन इक्विपमेंट, मगर पावर जनरेट होती है जिससे, एंड सोल्यूशन and has manufacturing facility at Bengaluru and Karnataka। यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। अगर बात करें यहाँ पर मार्केट कैपिटल की, स्मॉल कैप है, 3,655 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। P30 को 4 के PE पे मिल रहा है। ROC की बात करें 32% के ROC पे ये कंपनी काम कर रही है और 32 का ROC काफी बेहतरीन ROC होता है, इस चीज को याद रखिएगा। बुक वैल्यू की बात करें 18 की बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 की है। और बात करें प्लेजिंग की, कोई भी शेयर प्लेज नहीं और कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। मतलब ये जो फैक्टर है ना 32% डेट फ्री, नो प्लेजिंग, ओके, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है, इस चीज को याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सेल्स देखिए 244 करोड़, 172 करोड़, 217, 211, 240, मतलब इसी रेंज में ये कंपनी काम करती हुई पिछले 2 साल से 12 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर इम्पैक्ट देख सकते हैं आप, पेंडेमिक का इम्पैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक शायद ये अब दोबारा एक गेन दे सकता है, इस गेन तक मतलब बात करें 200 करोड़ को एक क्रॉस कर सकता है इस बार, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है इनका, मतलब कंपनी कभी भी नेगेटिव में नहीं है, ये एक अच्छी बात है, हमेशा पॉजिटिव में ही रही है। और पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट किया। और दूसरी चीज जो सबसे अच्छी लगी वो इनकी सेल्स ईयरली बेसिस पे देख सकते हैं। सेल्स 305 करोड़, 630 करोड़, 600, फिर 500, 600, 700, फिर यहाँ पर 800 करोड़ की रेंज में चल रहा था, बट यहाँ पर पेंडेमिक आ गया, वरना फिर दोबारा यहाँ पर 800 करोड़ की सेल्स ही आती हुई दिखाई देती है, जो कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 93 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अभी तक का है। और इस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट की बात करें 122 करोड़ का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2020 में इन्होंने दिखाया है, ये चीजें अच्छी है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व -33 करोड़ के कभी नेगेटिव में थे, आज 552 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व है। कोई बोरिंग नहीं है, 1 करोड़ की बोरिंग है ना के बराबर। फिक्स एसेट की बात करें 241 करोड़ की फिक्स एसेट है। और यहाँ पर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें यहाँ पर 9 करोड़ के आसपास लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास है। बात करें ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, जो भी यहाँ पर कंपनी अर्न करती है वो उनकी बुक वैल्यू में दिखाई दे देता है। ROC देख लीजिए कभी भी 30 के नीचे नहीं गया, ये सबसे पॉजिटिव बात है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 67.78, एक भी % की शेयर इन्होंने बेचे नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस मार्च 2019 में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है। FIs की बात करें, FIs ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। DIs की बात करें 14% की DIs की होल्डिंग है। और सबसे मेन बात पता है क्या है, यहाँ पर पब्लिक, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी केवल यहाँ पर प्रोमोटर FIs DIs के पास है, पब्लिक के पास केवल 4.61% की हिस्सेदारी है। तो मतलब ये शेयर ना जब ये भागना शुरू करेगा तो इसको कितने % के रिटर्न देगा, यू कांट इवन इमेजिन। और यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं होती ना, मतलब अच्छे हाथों में यहाँ पर बिजनेस रहता है, तो क्योंकि इसमें कोई बेचने नहीं जाता। FIs भी खरीद रहे, DIs भी खरीद रहे, DIs बेच रहे, FIs खरीद रहा है, FIs बेच रहे, DIs खरीद रहे, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और जहां पर हिस्सेदारी बिल्कुल पब्लिक के पास है ही नहीं। अब कुछ अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई की बात करें लगभग 166 के प्राइस में यहाँ पर गया था इसका ऑल टाइम हाई। और यहाँ पर बात करें तो देखिए एक जो रेंज है, ओके, बार बार इस रेंज पे आके ना ये शेयर बार बार इस रेंज पे आके यहाँ पर से गुजरा, फिर यहाँ पर आया और यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पर अब इस बार यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ से ऊपर जा चुका है। ओके, इससे पहले भी अगर बात करें यहीं पर ही आके रुक जाता था, यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, 1 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो काफी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इस चीज को आप देख सकते हैं। और यही इसी रेंज के आसपास, और इस बार इस रेंज को इसने क्रॉस किया है, इस रेंज की तरफ आ गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब मुझे क्या लगता है कि अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसके अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसने 1 बार रुका था, फिर यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर से एक यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें यहाँ पर इसका एक हेड बन गया, और फिर दोबारा बात करें यहाँ पर इसका दोबारा एक शोल्डर बन गया, जो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। आप देख सकते हैं शोल्डर, फिर हेड, और फिर बात करें यहाँ पर एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखते हैं, जब इस तरीके के ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, तो उसका जो अगर बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न उसी तरीके के रिटर्न आते हैं जिस तरीके के रिटर्न यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न सजेस्ट करता है। और इन्हें ये रिटर्न आने है, ये रिटर्न आपको पहुंचना ही है। थोड़ा देर हो सकती है या फिर शेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ब्रेकआउट से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना रहा है, तो अगर ये क्लोजिंग यहाँ पर है इसकी, यहाँ पर से अगर देखते हैं तो ये लगभग 50%, 55% का यहाँ पर अपसाइड साफ नजर आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप 55% के लिए रुक सकते हैं, जो कि लगभग मेरे हिसाब से जिस तरीके से मार्केट चल रही है एक महीने के अंदर अंदर सॉरी एक साल के अंदर अंदर आ सकता है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ हर्डल्स है ओके, यहाँ पर अगर इसके जो भी रिजल्ट आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये शेयर आपको 20% तक के रिटर्न से इजीली अभी अगर बात करें यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है। 146 इसका पहला पड़ाव है, दूसरे पड़ाव की बात करें तो 165 के आसपास है, फिर उसके बाद 180। तो ये कुछ टारगेट्स है, आपको जिस टारगेट के लिए आप जा सकते हैं मेरा जो टारगेट है वो इस शॉर्ट टर्म का ही है कि मैं 145 के आसपास तक रुकूंगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर लूंगा ओके। उसके बाद शेयर चार्ट जिस तरीके से बनेगा फिर बाद में एंट्री करते हुए हम देखेंगे। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी स्टडी है, मैंने इसमें ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है। बाकी इसका अभी रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट तक मुझे लगता है थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।